गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल मिटे हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग के बारे में पढ़ा था, मॉर्निंग इंट्रो रिफॉर्म भी पढ़ा था। आज जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी जी हमारे देश में आए, हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में देखना ना, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918। मोहनदास करमचंद गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। कहते फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1914 to 1918 के बाद मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की लीडर्स अपने हाथों में ले ली। ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंस एजुकेशन विच वाज कॉल्ड सत्याग्रह डिमांड फॉर ट्रुथ। कहते उन्होंने जो नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की वो कौन सी थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सत्याग्रह डिमांड फॉर ट्रूथ यानी कि सच्चाई की मांग। इट वाज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा के साथ एक आंदोलन शुरू किया गया। ही प्रोपोगेटेड टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सिंपल लिविंग। उन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया कि टॉलरेट करो यानी कि सहन करो, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना को बढ़ाओ, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सिंपल लिविंग का उन्होंने जो था वो प्रचार किया। गांधी जी रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी फॉर ए ट्रूली नेशनल स्ट्रगल। कहते गांधी जी को ये रियलाइज़ हुआ था कि सामाजिक सुधार जो है वो नेशनल स्ट्रगल के लिए बहुत ही आवश्यक है। ही एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन वर वेलकम्ड। कहते उन्होंने एक साबरमती आश्रम बनाया गुजरात में, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग का स्वागत था। हिज फर्स्ट मूवमेंट वाज इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट। उनके पहला जो आंदोलन था वो किसानों के सपोर्ट में था। इट बिगन इन चंपारण इन बिहार इन 1917। ये सबसे पहले जो था वो 1917 बिहार में शुरू हुआ। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीजेंट्स। कहते उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिगो की प्राइसेस बढ़ाने के लिए, नील की खेती करवाते थे ना, हमने चैप्टर में देखा था, चैप्टर जो हमारा डिलीट हो गया, कि वो लोग क्या करते थे, इंडियन किसानों से, फार्मर से जो था वो नील की खेती कराते थे और बहुत सस्ते दामों पर लेते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि उसकी कीमतें बढ़ाएं। बाई 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। ही लॉन्च्ड मैनी पावरफुल मास मूवमेंट। 1919 तक गांधी जी थे बहुत ही पॉपुलर लीडर बन गए थे और उन्होंने कई पावरफुल मास मूवमेंट जो थी वो शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हमने पीछे मॉर्लमेंटो रिफॉर्म देखा था 1909, ये उसी को आगे चलाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1919। द ब्रिटिश पेड नो नीड टू द एजिटेशन फॉर द सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री। कहते ब्रिटिश जो थे इसकी तरफ एजिटेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जो लोग शुरू कर रहे थे सेल्फ रूल के लिए, कि हमारे स्वराज लाने के लिए। दे इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म टू अपीज पीपल। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक और नई जो था वो सेट ऑफ रिफॉर्म शुरू किया। बट द रिफॉर्म वाज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो रिफॉर्म थी, जो आंदोलन जो था वो चलता जा रहा था। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर। कहते उन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो थी वो मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी थी। द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट डायराची वाज इंट्रोड्यूस। कहते डायराची सिस्टम की तरह उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्या था ड्यूल गवर्नमेंट, हम लोगों ने पढ़ा था बेटे, पहले मैंने आप लोगों को करवाया। ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस एंड पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। और इंडियन मिनिस्टर्स को किस चीज़ का चार्ज दिया गया था, एजुकेशन एंड हेल्थ का। बल द रियल पावर स्टिल रिमेंड विद द ब्रिटिश ऑफिशियल। जो रियल पावर थी वो अभी भी ब्रिटिश ऑफिशियल के हाथ में थी। इंडियन वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिफॉर्म। इंडियन जो थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो।